हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको ये डोरमेट बताने वाली हूँ जिसका मुझे एक रिक्वेस्ट भी आया हुआ था, मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा था आया था, तो मैंने आज इसको अपने इस चैनल पे सोचा कि मैं इसको बता दूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा डोरमेट है ये मैंने नॉर्मल ऊन से बनाया है, नए ऊन से, जो टू प्लाई का ऊन जिसे मैं स्वेटर वगैरह बनाती हूँ उससे मैंने ये बनाया है। और इसकी जो देखिए गोलाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये टोटल 14 इंच का ये सर्कल एक तरह से ये यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये जो मैंने बनाया ये मैंने 35 फंदे का बनाया है। आप अपने हिसाब से इसमें फंदे कम और ज़्यादा कर सकती हैं। इसके लिए आपको और नंबर के फंदे लेने पड़ेंगे, आप 11 लीजिए, 21 लीजिए, 25 लीजिए, जितना आप ले सके, जितना बड़ा अगर आपको बनाना है उस हिसाब से। मैंने इसको 35 फंदे का बनाया है। तो इसमें मैंने डार्क कलर नीचे रखा है और लाइट ऊपर। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, मैं इसमें अब लाइट कलर नीचे रखूँगी और यही वाला डार्क मैं इसमें ऊपर रखूँगी। तो इसके लिए मैंने 35 फंदे डाले हैं, तो सेम 35 फंदे मैं डालूँगी। और ये देखिए, ये मैं 9 नंबर की नॉर्मल सिलाई से बना रही हूँ, ये जो पोनी की सिलाई आती है उसी से। और ये मैं सेम यही बनाऊंगी, ये डार्क वाले ऊन को ऊपर करूंगी और ये मैं वाइट लगा रही हूँ, ये मेरा ऑफ वाइट है, ये मैं वाइट लगा रही हूँ। तो डार्क मैं ऊपर करूंगी, लाइट अंदर बीच में करूंगी। तो इसके लिए हम नॉर्मल 35 फंदे डाल लेंगे, ढीले ढीले डालेंगे, इसको टाइट नहीं डालना है, आपको ढीले ढीले फंदे डालने हैं। तो नॉर्मल देखिए, जैसे भी आपको फंदे डालना आता हो, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप फंदे किस तरीके से डालिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें हम 35 फंदे देखिए ये, और ये देखिए ये टोटल ढीले ढीले फंदे हैं जो आराम से हमारे, क्योंकि बाद में मैं इसको जोड़ूंगी, मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा है पूरा सिलाई से ही, तो ये जोड़ना भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब ये 35 फंदे पहले डाल लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल 35 फंदे मैंने डाल दिए हैं, जैसे फंदे हम डालते हैं। अब पहली सिलाई हम पूरा ये उल्टा उल्टा बिन लेंगे, पहली सिलाई में कुछ नहीं करना है, पहला फंदा मैंने उतारा, अब ये हम पूरा उल्टा उल्टा इसको बिन लेंगे। इसको पूरा उल्टा बिन लेते हैं। ये देखिए पहली सिलाई मैंने बिन ली, अब दूसरी सिलाई ऊन आगे करके लास्ट तक हम इसको बीनेंगे, जब तक कि हमारा एक फंदा न रह जाए। इसको देखिए 34 फंदे हम पहले बिन लेंगे। नॉर्मल बिनाई बिल्कुल जैसा आपका हाथ हो, आप इसको पुराने स्वेटर को भी खोल के बना सकती हैं, साड़ियों से बना सकती हैं, दुपट्टों से बना सकती हैं। मैं इसको आपको ऊन से बना के बता दे रही हूँ जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो, और इसके बाद आप अपने पास रखे किसी भी चीज़ से इसको बना सकती हैं। तो अब देखिए ये मैंने 34 फंदे इस तरह से बिनने के बाद, ये देखिए ये 34 फंदे हो गए। इस ऊन को हम इधर कर लेंगे और सिलाई घुमा लेंगे। अब इस तरफ से हम ये पहला फंदा उतार के लास्ट एक फंदा रहने तक इसको बीनेंगे। देखिए पहला फंदा मैंने उतार लिया है, देखिए जब पहला फंदा हमारा था हमने ऊन इधर पलट लिया, और जब इधर से हमने शुरुआत की तो ये पहला फंदा यानी कि इधर से दूसरा फंदा, ये पहला फंदा हमने उतार लिया है। और अब फिर लास्ट के एक फंदे रहने तक हम इसको उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इसको देखिए मैं इसीलिए लाइट कलर से बता रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से, अब इस तरफ भी एक फंदा बचा, हम ऊन को पीछे पलट लेंगे और सिलाई को भी पलट लेंगे अपनी तरफ ऐसे। और अब जब इस तरफ से फिर शुरुआत करेंगे तो देखिए पहला फंदा हमने छोड़ दिया था और ये दूसरा फंदा ये जो, इसको भी हम उतार लेंगे और इसको पूरा हम उल्टा बिन लेंगे।
इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बिनना है। अब देखिए इधर ये हमने छोड़ दिया था, उधर से हमने ये उतार लिया था, तो अब ये दो फंदे हम इस पे छोड़ देंगे और उनको फिर पलट के सिलाई पलट लेंगे। फिर ये पहला फंदा उतार लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ से एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे जब तक कि हमारे सिलाई पे तीन फंदे ना बच जाएं। ये देखिए इसी तरीके से ये देखिए इस तरफ से भी। अब हम ये हमें पिछली बार छोड़ा था, इस बार हम ये एक फंदा और छोड़ देंगे। ऐसे ये दो फंदे हमारे छूट गए और अब फिर उन पलट लेंगे। अब इधर से भी देखिए दो हो गए, इधर से भी दो हो गए। आते आते जब बीच में हमारे तीन फंदे रह जाएंगे, इधर से भी एक एक, इधर से भी एक एक छोड़ते हुए, तब हम इसके आगे की बिनाई करेंगे। ये पहला फंदा, जब भी आप ये सिलाई पलट रही हैं, ये पहला फंदा आप उतार लीजिए और फिर इसको बिनना शुरू करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी गैपिंग ज़्यादा नहीं आएगी। जब हम ये दूसरा सिलाई शुरू करेंगे या दूसरा कलर लगाएंगे तो हमारी गैपिंग नहीं आएगी। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और इस तरीके से हम बिनते हुए दोनों तरफ से फंदे उतारते चले जाएंगे। ये देखिए अब हमारे दोनों तरफ से उतरने के बाद ये तीन फंदे रह गए हैं, तो इसको भी मैं ऐसे बिन के ये दो फंदे और इधर से अब ये हमारा उतर के और इधर आ जाएगा। बस अब ये जो हमारा एक फंदा ये बचा, ये यहाँ के लिए अब हम देखिए इधर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये 17 और ये बीच वाला 18वां फंदा है और इधर 17 बचा है। तो इस 18वें फंदे पे अब हम दूसरा कलर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये घटते घटते हमारा आएगा। तो अब ये जो हमारा पहला फंदा हमको जो बिनना है यहाँ पे, ये जो हमारा सेंटर का फंदा है, तो इस पर हम इस तरीके से दूसरा कलर लगा के यहाँ से यहाँ ये 18 फंदा बिनेंगे। ये देखिए ये मेरी उल्टी साइड है, फंदा मैंने जो डाला था वो बिनना यहाँ से स्टार्ट किया था। ये दूसरा कलर मैं उल्टे तरफ से लगा रही हूँ ताकि ये जो हम दूसरे कलर को लगाते हैं तो ये जो हमारा ये डिजाइन ऐसे आता है ये हमारे बैक साइड डोरमेट के आए। तो अब देखिए यहाँ से ये टोटल ये 18 फंदे, ये वाइट ऊन हम यहीं छोड़ देंगे, इसको हल्का सा खींच दीजिए। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 ये हमने बिन लिए। अब ये इस तरह से देखिए ये आएगा, ये जब हम आगे की डिजाइन बिनेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों तरफ से फंदे घटाए हैं तो ये बीच में सिकन आएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इस तरफ से अब हम इधर से 17 फंदे बिनेंगे। ये देखिए इधर से और ये ऊन यहीं पे ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 फंदे हमने बिने। अब इस एक फंदे को हम छोड़ के फिर से पलट लेंगे और अब हम इन आधे फंदे को ही बिनेंगे, ये आधे फंदे को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब देखिए इधर से फिर वैसे ही ये पहला फंदा, ये लास्ट फंदा छोड़ के हमने पलट लिया, पहला फंदा हम उतार लेंगे और अब इधर से हम पूरा बिन ले जाएंगे। इधर से हमको कोई फंदा नहीं छोड़ना है, स्टार्टिंग में इस वाले में छोड़ना है, डार्क वाले में
एक तरफ छोड़ना है और किनारे की तरफ नहीं छोड़ना है। बीच में एक फंदा हम छोड़ेंगे और कॉर्नर का जो हमारा किनारा आएगा, जो राउंड आएगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ हम फंदा नहीं छोड़ेंगे, इधर से हम फंदा छोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरा हम बिन लेंगे। इस डोरमेट में बहुत थोड़ा सा ऊन लगा है, आप अगर एक एक लच्छी भी ऊन ले लेंगी तो उसमें आप दो डोरमेट आराम से बना लेंगी। अब देखिए इधर से फिर एक उतार लिया हमने, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह। फिर ऊन पलट लेंगे और सलाई भी। अब पहला फंदा उतार लेंगे और इधर के पंद्रह फंदे को हम वैसे ही बिन ले जाएंगे, क्योंकि सोलह फंदे के बाद हमने पलटा और फिर सोलहवां फंदा हमने उतार लिया। तो अब इसको हम पूरा उल्टा उल्टा इधर से बिन लेंगे। इसको भी हम तीन फंदे रहने तक उतारते जाएंगे। अब देखिए फिर पहला फंदा उतार के ऊन आगे करिए, क्योंकि हमको ये किनारा भी देखिए अच्छे से करना है। तो पहला फंदा उतार के ऊन आगे। अब देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये अब पंद्रह। ये देखिए अब तीन फंदे छूट गए। इसी तरीके से एक एक फंदे छोड़ते छोड़ते जब हमारे तीन फंदे रह जाएंगे तब तक इसको भी हम बना लेंगे। फिर देखिए पहला फंदा उतारेंगे और इसको हम इसी तरीके से बीनेंगे। अब इसको भी बना लेते हैं। ये देखिए ये मेरे चार फंदे बचे थे, अब मैंने इस बार ये किया तो अब मेरे ये तीन फंदे इस पे आ गए। तो अब इसको पलट के पहला फंदा उतार के इन दो फंदों को मैंने बिन लिया। अब यहाँ पे उतारते उतारते मेरे ये तीन फंदे अब बच गए हैं, तो अब इन तीन फंदों को मैं नहीं उतारूँगी, यहाँ से फिर मैं बिनते हुए ये लास्ट तक आऊँगी। फिर से टोटल जो 18 फंदे हमारे हैं उसको हम बिन लेंगे। इन तीन फंदों को किनारे को नहीं हम करेंगे। ये देखिए तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अट्ठारह। ये देखिए ये मैंने बिन लिया। अभी ये मेरा हाफ पार्ट हुआ है। अब यही सेम चीज़ हम फिर से करेंगे जो हमने अभी तक किया है। ये देखिए अब ये हमारा जो पैटर्न है ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। अभी ये हाफ हम और करेंगे, तो इसको हम अभी नहीं छुएंगे। तो अब फिर से ऊन हम इधर पलटेंगे। अब पहला फंदा उतार के और फिर दूसरे फंदे से हम बीनेंगे। अगली बार आएंगे तो हम दो फंदा छोड़ देंगे, फिर तीन फंदा करते करते, फिर जब तीन फंदा रह जाएगा तब तक हम इसकी बिनाई करेंगे। इसी तरीके से देखिए अब हम इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए दिख रहा होगा आपको इस तरीके से ये जो आ रहा है सर्कल ऐसे, ये देखिए इस तरीके से देखिए मैंने बिन लिया। अब इधर से फिर हम ये देखिए 17 फंदे बिनेंगे, सेम जैसे अभी हमने इसको किया था, एकदम उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं करना है। अब इसको फिर हम उधर से हमने उल्टे तरफ से एक फंदा उतार के बिनना शुरू किया था, सीधी तरफ हमने फंदा नहीं छोड़ा था, तो अब हम इस तरफ से ये लास्ट वाला फंदा छोड़ देंगे और ऊन इधर पीछे करके सिलाई को ऐसे पलट लीजिए। अब देखिए ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और फिर अपनी नॉर्मल बिनाई इस तरीके से जब हम ये करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब ये दूसरी रो शुरू की है तो देखिए यहाँ पे गैपिंग दिख रही है लेकिन ऊन में जाली नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपका ऊन भी ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा और आप अपने ऊन के हिसाब से ही अपनी सिलाई रखिएगा। ये फिर इसी तरह से जब हमारे तीन फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको बनाएंगे।
तो फिर इसको भी बना लेती हूँ। ये देखिए अब मेरा इधर ये चार फंदा बचा। इस बार मैं करूँगी तो तीन फंदा बचेगा। ये देखिए जब हम ये पलट देते हैं, यहाँ पे जब हम पलट देते हैं देखिए, तो ये दो फंदे हमारे बंधे बंधे आते हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमने इतना फंदा उतार लिया। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना काउंट करते जाइए और इसको बनाते जाइए। ये देखिए अब ये तीन फंदे हमारे हो गए। तो इस तीन फंदों को बिनते हुए मैं पूरा फिर से 18 फंदे बिन लूँगी। अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये 18। और अब ऊन पलट लेंगे और अब हम बाकी की बिनाई इधर से इस वाइट वाले से करेंगे और इसको कट कर देंगे। ये देखिए इसको टाइट पकड़ के यहाँ से इसको ऐसे खींच के इसको हम बिन लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए और देखिए अगर आपको यहाँ जाली लग रहा है तो उधर से आते हुए हम यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे और उसको मैं बताती हूँ कि फिर क्या। इसको आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि जब हमारी ये दूसरी डिज़ाइन यहाँ ऊन आके मेरा ख़त्म हो रहा है और जब फिर हम दूसरा शुरू करेंगे तो ये इतनी गैपिंग आएगी, तो यहाँ से यहाँ ऊन ले जाने पे हमारा जो ये डोरमेट का पार्ट रहेगा वो फंसेगा पीछे से, तो उसकी अच्छे से गोलाई फिर नहीं आएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कट करना पड़ेगा। आप चाहें तो ये मल्टी कलर ऊन से भी बना सकती हैं बाहर का ये पार्ट। अब ये पूरा हम वाइट इधर से बिन लेंगे। ये देखिए सारा कुछ मैं उल्टे तरफ से कर रही हूँ जिधर मेरा ये आया है, ताकि सीधी तरफ हमारा कोई भी डिज़ाइन जो है ख़राब ना लगे, क्योंकि जब हम दूसरा कलर लगाते हैं तो ये हमारा जो ऊन है ये जिग जैग इस तरह से दोनों कलर का आता है, तो ये हमारा जो कुछ भी आए वो बैक साइड में आए, फ्रंट साइड हमारा अच्छे से फिनिश आए। तो ये देखिए अब इसको हम पूरा बिन लेते हैं। टोटल जो हमारे 18 फंदे थे इधर और उस तरफ भी हमारे 17 फंदे, यानी हमने पूरे 35 फंदे का ये बनाया है। अब देखिए इधर से पहला फंदा उतार के ऊन आगे और इसको हम नॉर्मल बिनते चले जाएंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेनी है हमको। ये देखिए ये सेंटर तक हम आ गए। अब यहाँ पे अगर आपको गैपिंग लग रही है तो आप यहाँ से ऐसे ये उठाइए, इसको आप बिन लीजिए, या आप यहाँ के साथ इसके संग इसको ऐसे एडजस्ट कर दीजिए ताकि यहाँ पे कोई गैपिंग भी ना आए और आपका फंदा भी एक्स्ट्रा ना बढ़े। ये देखिए जाली भी ना आए। तो ये पूरा हम अब देखिए इस साइड का भी ये जो हमने फंदा उतारा था वो हम बिन रहे हैं। तो टोटल फिर हमारे 35 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ से फिर हमारा जो ये पहला फंदा लास्ट वाला ये बचा, इसको आप ऐसे बिन भी सकते हैं नहीं भी बिन सकते हैं। तो इसको आप चाहें अगर आपका ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इसको देखिए आप ऐसे इसको भी बिन लीजिए, और अगर नहीं भी बिनेंगे तो भी आप यहीं से पलट लीजिए। लेकिन ये जो बाहर का है इसको हम नहीं बिनेंगे, इसको हम वहीं से अब देखिए इधर का फिर हम वही चीज़ स्टार्ट कर देंगे। पहला फंदा उतार के हमने ऊन आगे कर लिया है और अब देखिए टोटल 34 फंदे हम जो हैं वो बिन लेंगे और लास्ट का एक फंदा छोड़ देंगे। तो इससे हमारा जो यहाँ पे देखिए एक ये आ रहा है, अगर हम यहाँ पे फंदा बिनेंगे तो ये जो दूरी है इसकी और ज़्यादा आएगी।
तो इसलिए ये देखिए, और ये जो मैंने कहा कि उस तरह से जब आप पलट के बिनेंगी तो देखिए यहाँ पे आपको कोई जाली नहीं दिखेगी, ये एकदम ऐसे बराबर आ जाएगा। और इस तरफ से भी देखिए इस तरीके से, तो ये पूरा बिन के ये हम लास्ट पे आ गए। ये दो, ये एक फंदा जो है, अब इसको इधर ऊन भी पलट लेंगे और सलाई भी, ये देखिए। और अब फिर जैसे हमने फर्स्ट टाइम इसको किया था, ये पहला फंदा उतार लेंगे, ये पहला है ही है, अब दूसरी सिलाई पर का पहला फंदा उतार लेंगे और पूरी अपनी लास्ट फंदे तक बिनाई कर लेंगे, और लास्ट का छोड़ के फिर पलट लेंगे, फिर वैसे ही जैसे ये हमने किया था। तो ये देखिए इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब ये ही चीज़ देखिए, ये ऐसे यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये एक इतना पोर्शन है, फिर यहाँ से ये इतना एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है। तो इस तरीके से अब इसकी ये बिनाई होगी, इस तरीके से देखिए। ये मैं हाफ़ करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये मेरा हाफ हो चुका है। अब देखिए ये चीज़ तो मैंने कहा, अब ये चीज़ हम फिर यही इतना ये जो है हमारा, अब ये इसमें बन रहा है, इसमें बनने के बाद फिर हम अपना ये ऊन लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मैं आपको अपने इस चैनल में और भी बहुत सी जानकारियाँ देती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट, और जो इसका सेकेंड पार्ट मैं बनाऊँगी और उसमें मैं आपको ये सिलाई से हम कैसे जोड़ेंगे वो बताऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसके आगे आप बना लेंगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।